Hello and welcome, guys. My name is Imran Ismail, and you're watching First Post. I'm here with my old friend Akhil Sachdeva. How are you doing, guys? Good to be here. Good to be back. So last time जब मिले थे आपने गर्लसन प्रमोट करे थे जी उसके पहले हम सफर राइट जी मुझे बताइए आपका करियर कैसे शेप हुआ है अभी तक यहाँ तक ये दिन तक नए ना जुड़े तक बॉलीवुड लाइक ओके सो जब प्रपोज्ड हम सफर आई थिंक इट गॉट मी ऑल द बिगेस्ट ऑफ द रिकॉग्निशन दैट इट कुड गेट जितने पॉसिबल जो अवार्ड्स थे सब में मुझे अवार्ड्स मिले मुझे आईफा बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला मुझे जी सी ने बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला फिल्म फेयर बेस्ट नॉमिनेशन सिंगर रहा दिल्ली में जहाँ से मैं हूँ वहाँ से मुझे दिल्ली सरकार ने दिल्ली रत्न अवार्ड दिया सो दैट वेज इट वॉज ऑल गुड आई डिड मोर शोज यस आई गॉट शोज बहुत करे मैंने आई ट्रैवल्ड bigger and better than before but uske baad yes as expected logon ko jaise kyunki itna bada gana aaya tha hum safar made it was one of its own kind to jo umeedain logon ko generally thi ki aur bhi iske gaane aane chahiye hum safar ke baad to wo actually nahi hua but I think mujhe ek person lagta hai ki in general overall 2018 kuch ek aisa sa saal raha hai ki matlab kai logon ke liye jinko main janta hu ki zyada आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो रह गई चीज़ें या कुछ नहीं हुआ तो इट डिडंट वर्क दैट वेल इन मोस्ट ऑफ द पीपल्स फेवर और अब मुझे नहीं पता हम सफर के बाद क्योंकि इट गॉट मी इन फ्रंट ऑफ द पीपल एज अ कंपोजर आल्सो आई रोट दैट सॉन्ग सो इट मेड मी एज अ लिरिसिस्ट एज वेल एंड द सिंगर तो एक वो थोड़ा टू गेट द राइट बैलेंस एंड प्लस आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट एंड लेटली ओनली आई गॉट माई ओन हाउस इन बॉम्बे थैंक यू सो मच तो दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक मैं क्योंकि ट्रैवल इतना करा था और मैं बॉम्बे में भी नहीं था प्लस अब इसलिए मुझे 2019 से बहुत ज्यादा उम्मीद है बिकॉज देर आर डेफिनेटली मोर सॉन्ग इन द पाइपलाइन ऑलरेडी माई न्यू सिंगर्स माई मोर इंडिपेंडेंट म्यूजिक दैट्स व्हाट माई फोकस इज वो भी करूँ तो 2019 से अब बेहतर उम्मीद और एक पॉजिटिविटी के साथ है फिल्म में मैं लोगों को कम सुनाई दिया होगा बट बेस्ट पार्ट ऊपर से भी उतरी हम सफर अभी भी लोग उतने फ्रेश माइंड से सुनते हैं जितना ये नहीं है कि वो गाना अभी तक मतलब इट स्टिल हैज दैट पावर एंड दैट प्योरनेस एंड इनोसेंस टू टच पीपल द सेम वे दे डिड इट So, but I'm good, like whatever. But the best part is I keep writing music. Okay. I'm making more music, and that's most important. Girlson was amazing. Yeah. That was really appreciated by the crowd. Yep. अभी ये नया song आया. इसके बारे में मुझे बताइए song में ऐसा क्या जिससे आपको लगा कि हाँ मैं एक song कर सकता हूँ because it's a very old song. Yeah. Pressure, no pressure. I think ये गाना मुझे लगता है ये बना ही मेरे लिए था मतलब as in मुझे ये गाना जरूर करना था. In the sense मैं बचपन से बहुत सारे पाकिस्तानी musicians को सुनता आया हूँ singers को. हम लोग हमेशा नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करते हैं ही डेफिनेटली इज अ लेजेंड बट आई थिंक मेरे पर्सनल फेवरेट हमेशा से रेशमा जी रही हैं शी इज़ अ लिविंग लेजेंड इन पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान तो जब अब उनके इतने लंबी जुदाई यारा सिली सिली ऐसे गाने जो ऑलरेडी बॉलीवुड में सालों पहले आ चुके हैं और अभी भी उसके रिक्रिएटेड वर्जन लाइक ट्वाइस द टाइम वो वर्जन आ चुके हैं नैना जोड़ी मैं सरप्राइज इसलिए था कि भूषण कुमार सर ही ऑफर्ड मी जबकि मैं तो अपने गानों के लिए वी वर टॉकिंग अबाउट माय न्यू सिंगल विद माय ओन सॉन्ग बिकॉज़ आई राइट माय ओन सॉन्ग दैट इज व्हाट यू वांट योर ओन सॉन्ग्स टू कम आउट बट आई रिमेंबर टी सीरीज देन भूषण सर सेंड मी अ लिंक ऑफ रेशमा जी कि ये गाना टी सीरीज विल हैव द राइट्स एंड ऑल एंड दे थिंक ही थिंक्स दैट अखिल की आवाज में गाना बहुत अच्छा एंड आई वाज लाइक कि व्हाई शुड आई डू इट बट देन ही सेड नो इट्स रेशमा जी सॉन्ग एज सून एज ही सेड इट्स रेशमा जी since I'm always been you know fond of Reshma ji and her music and I somehow wanted I should do something with her song and this song which is I think takriban 30-35 saal pehle unhone likha tha it was not that familiar or famous as that because bahut pakistan mein bhi pakistan mein bhi itna zyada familiar tha I think iska naina jodi pakistan mein bhi जो ओरिजिनल लिरिक्स हैं ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है उसके साथ तकरीबन दो साल पहले एक ही कवर वर्जन बना हुआ है दैट्स अ कवर जो किसी अली सेठी एंड आई थिंक वो मतलब अगर आप गूगल भी या यूट्यूब पे जाएंगे तो देर आर नॉट टू मेनी वर्जन ऑफ नैना जोड़ी सो आई एम द फर्स्ट एवर इंडियन मेल टू रिक्रिएट एंड सिंग दैट एंड बिकॉज आई थिंक मैं पहले भी ये बोलता आया हूँ कि आई हैव एन ओल्ड सोल और ऐसे गाने मुझ पर मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ दैट आर हमारे हिंदुस्तान या पाकिस्तान जो भी उनके जो ट्रेडिशनल फोक सूफी जो पुराने गाने हैं आई रिलेट माई सेल्फ बेटर टू देम और मुझे लगा जब ये गाना आएगा यस एक प्रेशर था क्योंकि इट विल बी टॉक्ड अबाउट एंड कंपेयर्ड क्योंकि वो एक लेजेंड का गाना जब उठाते हो और बट आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फाइनेस्ट सिंगिंग इन दिस सॉन्ग टिल डेट नैना जोड़ी एंड देन व्हेन इट कम्स टू द एक्टिंग पार्ट ऑफ इट आई गेव माय सोल
एंड जितना मैंने दिल से गाया था उतने शायद उससे ज़्यादा दिल से मैंने एक्टिंग भी करी है उसमें नेचुरली एंड सो आई थिंक ऑल एंड ऑल आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस सो एक्टिंग कम्स इजीली टू यू या स्ट्रगल करते हो नो आई डोंट स्ट्रगल बट आई वुडंट से दैट आई नेवर थॉट ऑफ एन एक्टिंग as acting mm-hmm. but because I'm a performing artist I'm a stage artist since 8 years I've been traveling so I have that you know I know that there is more than music for me to offer to the world there is an artist that needs to be explored and come so I think is video ke andar jo character tha log wo zyada character mere aisa jante nahi hai generally matlab mm-hmm. for people jo mujhe stage pe dekhte hain for them I'm a different personality but that's also the kind of guy that I played in this video right it's also I see my traits in him mm-hmm. and but it just came naturally like it was I didn't have to but yes I was focused and determined to like how you're focused and determined to sing when you're on the studio correct so that is how I was those four days I was focused that no I have to be in that emotion right. that character so it just came out but it came out naturally no yeah, yeah. No I saw the video it came out really yeah. oh you saw that yeah, oh yeah, wow, I'm glad but mujhe bataiye iske piche ek story hai jahan pe aapko Mauritius mein shoot karne ka mauka mila iske piche kya story mujhe bataiye Mauritius actually main Mauritius show karne gaya tha mm-hmm. mera concert tha which was for one of the biggest telecom companies of Mauritius aur wahan par kafi diplomats sir ex prime minister wo sab the aur wo show unko itna pasand aaya tha itna zyada to wahan par kuch unhi ke diplomats mein se kuch investors bhi the that they wanted they loved me so much on stage that they thought that if I can because since I basically kuch logon ne mujhe pehle dekha hua tha उसी उन्हीं में से जो मुझे वहाँ देखने वाले थे सो सिंस दे गॉट टू नो दैट आई एम परफॉर्मिंग देयर और आ ही रहा हूँ मैं वहाँ पर तो दे ऑफर्ड दैट व्हाई नॉट इफ आई कैन स्टे देयर फॉर लॉन्ग एंड शूट अ वीडियो इट विल बी गुड फॉर देम एज वेल द टूरिज्म ऑल्सो एंड दोज इन्वेस्टर्स दे हैड देयर ओन थिंग बट येस आई वाज सो आई एम ऑनर्ड एंड आई फील ब्लेस्ड दैट समबडी हु लव हु सॉ मी ऑन स्टेज and they thought that is the right guy to invest and so we got so they wanted to join hand with T-Series okay so to co-produce this video to hum ek show ke liye gaya tha aur mujhe wahan se ye video shoot karne ka they only offered they invited you to they invited me to wow that's amazing right it's amazing and I think kuch is video ke andar Mauritius mein bahut films shoot hui hain kuch locations is video ke aise hain jo wahan ke locals bata rahe the aur jo वहाँ की हमारी एक इवेंट टीम हमारे साथ थी दैट दोज लोकेशंस हैव नेवर एवर बीन यूज्ड ओके सो इट्स बीन यूज्ड इन दिस लोकेशन दी जो सिर्फ इस वीडियो में ओह वाओ दैट्स अमेजिंग यार ओके टेल मी व्हाट वेयर डू यू स्टैंड ऑन ऑटो ट्यून्स मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है व्हाट्स योर टेक ऑन दैट ऑटो ट्यून आई थिंक मोस्टली हर गाने के हिसाब से भी होता है और हर सिंगर कहीं ना कहीं एक किस लेवल पे जाके ये तो खैर आप जो आप टेक्नीशियन जो बैठते हैं जो इंजीनियर होते हैं तो वंस यू गो रिकॉर्ड इट और उसके बाद जब गाने पे पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है तो वो गाने की वाइब की तरह और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर आप अपना को सिंगर कहते हैं तो आप इतना गलत गा जाएं कि वो कुछ भी गा जाए और कहीं भी कुछ भी हो जाए बोला या तो फिर बेसिकली जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब इसी को एक कॉम्पोजिशन में डालना तो ऑटो ट्यून तो उसको वहाँ भी कर देगा इट कैन डू दैट बट आई थिंक ऑटो ट्यून आई वुड से आई एम इन फेवर आई एम नॉट फेवर ऑफ वो मोस्टली हाथ टेक्नीशियंस जो पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं मिक्स एंड मास्टर जो होते हैं वो करते हैं उनके हाथ में होता है बट हाँ अगर आप ये एक सिंगर की तरफ से एफर्ट होना चाहिए कि वो ही शुड बी सिंगिंग टू हिज बेस्ट हिज और हर बेस्ट ताकि ज़्यादा मौका ही सामने वाले को ना लगे कि उसको ऑटो ट्यून या उसको चेंज करने का कोई है बट टू ईच ओन इट्स ओन एंड सो आई फील जो मेरा पर्सनल टेक रहता है कि इफ़ आई गो टू द स्टूडियो आई थिंक मैं थोड़ा डिफरेंट बिकॉज आई एम अ स्टेज आर्टिस्ट बिफोर देन एज अ प्लेबैक सिंगर तो मुझे एक खुली गायकी की बहुत वो है बट दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंट्रोल्ड सिंगिंग वी स्टिल हैव टू हैव दैट इमोशंस एंड ऑल सो माय पॉइंट ऑलवेज इज टू करेक्ट आई ट्राई माय बेस्ट टू सिंग एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बट ऑल्सो आई एम सिंस मोर ऑफ अ फील बेस्ड पर्सन फील बेस्ड सिंगर आई थिंक आई फील इफ समवेयर इफ आई हैव टच्ड द राइट नोट्स 90-95 ऑल्सो समवेयर इन सम पर्टिकुलर बट द फील इज way too beyond which it can over so there I can you know see that you can try it at some part all right but yeah so that should not exploit it right yeah not at all no. then you're not a singer then you're faking you don't know then you're doing wrong to yourself it's like that so, tell me abhi recently aapne kaha ki bollywood naye talents ko accept kar raha hai yeah like aapko aisa lag raha hai really it's happening yes it's happening it's just that wahi baat hai jaise logon ko agar mujhse aisa hoga ki
मैं इंडस्ट्री में और मुझे भी गाना चाहिए, तो मैंने भी वही बोला कि मुझे अभी आई थिंक इंडस्ट्री इज टेकिंग इट्स ओन टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट हु आई एम एंड आई एम आल्सो गिविंग माय सेल्फ टाइम टू सी व्हाट आई वांट टू डू व्हाट माय अप्रोच शुड बी सिंस आई एम एन आर्टिस्ट आई मेक माय ओन म्यूजिक आल्सो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनीथिंग एंड एनीवन बट यस आई वॉन्ट पीपल टू बिकॉज अभी उन्होंने मेरा एक ही गाना सुना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अभी और भी गाने जैसे आई एम डूइंग 2019 आई एम डेफिनेटली डूइंग अ फिल्म इन द बिगिनिंग एंड वो और जिस अब नया नया जोड़ी होगा या मेरे जो अगली अप्रोच है मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा गाने निकाल पाऊँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी सो दैट पीपल हेयर माई वॉइस एंड देन दे हैव ऑप्शन टू सी दैट दिस गाय हैज दिस सॉर्ट ऑफ अ वॉइस और दिस काइंड ऑफ अ वाइब टू हिम एंड देन दे कैन कीप कॉलिंग सो बट आई थिंक जो क्वेश्चन आपका इन जनरल है ये तो मेरा दिस वॉज अबाउट मी दैट आई एम टॉकिंग बट इन जनरल आई थिंक आई फील सिनेमा इज ओनली चेंजिंग लाइक यू मस्ट हैव सीन दैट नॉट द बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स आर गिविंग यू द बिगेस्ट ऑफ द हिट्स इट्स द देर रेडी टू चेंज पीपल आर रेडी टू चेंज देर आर एक्सेप्टिंग द चेंज न्यू फिल्म न्यू स्क्रिप्ट आर गेटिंग एक्सेप्टेड new filmmakers are coming new kind of films are getting made and so that is why new talents will get the chance so yeah so somewhere the new but yes definitely the supply is beyond like the demand ek badh rahi hai to supply bahut zyada hi aa rahi hai wo hai but yes kyunki badh raha hai to wo naya talent aur sab badh raha hai actually the whole cinema is changing and isliye naye talent ki bhi I personally feel that ki they got a chance here okay thank you so much for that mujhe ye gana sunna hai aapke ab yahan pe baithe ho to mujhe sunna hai aapke muh se naina jodi yes yeah right now I'll sing few lines of that for sure because pura gana hai tumhe guitar nahi laya that's what I asked you for the first yeah because I've been traveling and I thought today I want to give rest to my throat because no problem do line gaiye then we'll invite you for a game tere bin saans na le मेरे दिन रात खाली खाली लगते हैं लकीरों वाले हाथ साथ मेरे चलते चलते साथ मेरे चलते चलते रस्ते ना मोड़ी नैन ना जोड़ी किते नैन ना जोड़ी नैन ना जोड़ी किते नैन ना जोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा तेनू वास्ता खुदा दा मेरा दिल ना तोड़ी नैन amazing yeah, that was amazing yeah. thank you so much for that yaar thank you so much